हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो ट्वेल्थ बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, ट्वेल्थ बायोलॉजी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड जिनका एग्जाम हुआ है 15 मार्च को, ठीक है। तो उसका जो 15 मार्च को जो आपका पेपर आया है, उस पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो आए थे वो क्या थे और उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। इससे आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपके लगभग लगभग कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर ये बात। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर था, अगर इसको टफ या एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी में मैं रखूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मीडियम लेवल का पेपर ये था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इजी भी नहीं था, ऐसा कहा जाए तो मीडियम पेपर था। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपसे बन गया होगा ये, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे एनसीईआरटी से ही, मतलब सीधे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही पूछ लिए गए थे। वैसे तो सभी एनसीईआरटी से पूछा गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आपसे सिंपल भाषा में पूछे गए थे, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें से काफी सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं, ठीक है, और उससे आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। कोई सा भी सेट आपका आया हो, घूम फिर के यही क्वेश्चन इधर उधर होते रहता है, मतलब इनका सीक्वेंस बदल जाता है, क्वेश्चंस यही रहते हैं, ठीक है। सेक्शन ए की बात करेंगे पहले, फिर सेक्शन बी, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सेक्शन ए में चूंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था सेकंड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो जगह ऑप्शन दिया है सीबीएसई ने, सेकंड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, गिव वन रीजन टू जस्टिफाई स्टैट्यूटरी बैन ऑन अम्यूनोसिंटेसिस, ठीक है। मतलब अम्यूनोसिंटेसिस जो टेक्निक होती है उस पर बैन क्यों किया गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अम्यूनोसिंटेसिस होता क्या है। देखो, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, ये एक फीमेल है, ये एक फीटस है, मतलब ये वो बच्चा जो पेट के अंदर है। तो माँ और बच्चे के बीच में इस तरीके से कनेक्शन रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा कनेक्टेड रहता है मदर से, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, कई बार इस बच्चे में कोई जेनेटिकल डिफेक्ट होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहां से एमनियोटिक फ्लूड लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूड इस तरीके से यहां से लिया जाता है, इंजेक्शन से, जिस भी मीडियम, जिस भी तरीके से मतलब, और इस एमनियोटिक फ्लूड को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोमल टेस्ट किया जाता है, मतलब एक एक क्रोमोसोम जो है इस एमनियोटिक फ्लूड में जो क्रोमोसोम होंगे उसको एक एक को टेस्ट करेंगे, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर ही बात। ये क्यों किया जाता था, ये इसलिए किया जाता था कि कोई अगर डिफेक्ट है, जेनेटिकल डिफेक्ट, तो उसका पता लगाया जा सके बच्चे में, ठीक है। लेकिन हुआ ये दोस्तों, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के दौरान जो डॉक्टर है वो सारे क्रोमोसोम को चेक करता है, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, इस तरीके से। जब वो 23rd क्रोमोसोम पे पहुंचेगा तो उसे ये पता पड़ जाएगा कि ये एक्स वाई है या एक्स एक्स है, ये इस तरीके से उसे पता पड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पे डॉक्टर को एक तरीके से ये भी पता पड़ गया कि बच्चे का सेक्स क्या है, ठीक है। तो टेक्निक किस लिए बनी थी, टेक्निक इसलिए बनी थी कि कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है अगर बच्चे में तो उसका पता लगाया जा सके, फीटस में कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है तो उसका पता लगाया जा सके। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कैसे हुआ, चूंकि डॉक्टर को या जो भी मेडिकल प्रोफेशनल, इसका जो मेडिकल पर्सनल जो भी इसका मतलब है, टेस्ट कर रहा है, उसको ये पता पड़ जाएगा कि 23वें क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है, एक्स वाई है कि एक्स एक्स है, मतलब उसे ये पता पड़ गया कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। अगर उसे थोड़े से ज्यादा पैसे दिए गए या इस तरीके से कहा गया, मतलब फोर्स किया गया, तो उस बच्चे को किल कर सकता है अगर वो फीमेल हुआ तो, ठीक है। मतलब फीमेल है तो उसको किल कर दिया जाता था, ठीक है। और बहुत ज्यादा हुआ ये इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब इस टेक्निक का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है, मतलब क्रोमोसोम्स के को टेस्ट ना करके या कोई जेनेटिकल डिफेक्ट को टेस्ट ना करके बच्चे का सेक्स पता इस टेक्निक के द्वारा किया जाता था, इसलिए इस टेक्निक को बैन कर दिया गया। तो किसलिए बैन किया गया, एक रीजन बताना था, इसलिए बैन किया गया कि अगर कोई भी बच्चे का जो सेक्स है, ठीक है, उसको पता करके फीमेल फीटस की डेथ या उसको किल किया जाता था, डेथ नहीं बोलूंगा, उसको किल किया जाता था, इसलिए इस टेक्निक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो अगर ये बात आपने लिख दिया है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द फॉलोइंग, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर बताना है इनके वजह से जो होती है। देखो, फर्स्ट है एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मतलब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है मेल में, एक एक्स और बढ़ गया तो एक्स एक्स
और डबल एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स एक्स वाई तो है, एक एक्स और आ गया, मतलब मेल तो है लेकिन कुछ कुछ फीमेल की तरह, तो ऐसे वाले जो लक्षण होते हैं ना, मतलब जो किन्नर और हिजड़े होते हैं वो उसकी तरह हो जाते हैं कुछ कुछ ये मेल। मतलब ये डिजीज कौन सी, मैंने आपको बताया था, ये है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अगर आपने क्लिनफिल्टर सिंड्रोम लिखा है आधा नंबर आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है डिलीशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है एक्स वाई, एक्स वाई में से एक एक्स चला गया, मतलब एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, तो मतलब फीमेल तो है लेकिन कुछ कुछ मेल की तरह है, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स एक ही है, तो अब क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो एक्स दो होते हैं क्योंकि फीमेल में एक एक्स नहीं है, तो इनमें फीमेल का गुण कम है तो ऑटोमेटिकली इनमें कुछ कुछ मेल वाले गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी फीमेल देखी होंगी आपने जिनकी आवाज मोटी हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ द इनप्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनेटल्स ऑर्गन, इनप्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या फिर आवाज़ जो है इनकी काफ़ी मोटी हो जाती है पुरुषों की तरह, इनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है पुरुषों की तरह, तो ऐसी कोई फीमेल है तो उसे ये बीमारी है। और इस बीमारी का नाम क्या था, इस बीमारी का नाम था टर्नर सिंड्रोम। अगर टर्नर सिंड्रोम आपने लिखा है और यहाँ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम लिखा है तो एक नंबर आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन था कि एन्यूप्लॉयडी जो है वो किसको लीड करता है। एन्यूप्लॉयडी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, एन्यूप्लॉयडी किस चीज को लीड करता है। एन्यूप्लॉयडी क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम जो हो रहा था क्रॉसिंग ओवर या जो सेल डिवीजन के दौरान, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए अगर, तो या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, क्रोमोसोम के सेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये लीड करती है किसको, जेनेटिकल डिजीज को, कैसी डिजीज को, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सब इसी के एग्जांपल है। एन्यूप्लॉयडी इन्हीं को लीड करता है आगे जाके, ठीक है, क्लियर ये बात। अगर ये बात आपने लिखी है तो आपको एक नंबर यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेंशन वन एग्जांपल ईच फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एग्जिबिटिंग डायवर्जेंट इवोल्यूशन। डायवर्जेंट इवोल्यूशन ये है चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन। डायवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो लीड करता है होमोलोगस ऑर्गन। डायवर्जेंट इवोल्यूशन से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल यहां पे पूछे गए हैं, किसमें पूछा गया है, प्लांट में, एनिमल में। प्लांट में आप जवाब देंगे जो थॉर्न्स एंड टेंडिल्स रहते हैं बोगनविलिया और कुकरबिटा के वो, और एनिमल्स में आप एग्जांपल देंगे ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स या बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। अगर आपने ये लिखा है तो एक नंबर आपका पक्का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू साइकोलॉजिकल बैरियर्स दैट प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में साइकोलॉजिकल बैरियर्स के नाम बताने जस्ट आपको, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे जो सैलाइवा हो गया वो, या हमारे स्टमक में जो एसिड होता है HCl वो। अगर आपने ये दोनों पॉइंट लिख दिए हैं, मतलब HCl इन स्टमक और सैलाइवा इन माउथ, या टीयर्स इन आवर आइज, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का, सेलेक्ट टू डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रॉप वैरायटी गिवन बिलो। देखो, दो टेबल मैंने आपको बताई थी इस चैप्टर में जो आपको पढ़नी थी, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट की टेबल थी और एक थी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की टेबल, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा गया है डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप के बारे में आपको बताना है, और यहां पे मिक्स कर दिया गया है डिजीज रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की वैरायटी को, ठीक है। तो हमें बताना है, चूंकि डिजीज रेजिस्टेंट, हमें क्या बताना है, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी बताना है, तो यहां पे सही जवाब होगा हिमगिरी और पूसा कोमल, ठीक है। पूसा गौरव नहीं लिखना है, पूसा A4 ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये दोनों वैरायटी है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर इनमें से क्या चुनना था आपको, हिमगिरी और पूसा कोमल, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पे होता। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछा गया आपसे, गिव टू रीजन एज टू व्हाई अ वीड सच एज कैलेट्रोपिस फ्लोरिशेस इन एबंडेंट फील्ड। कैलेट्रोपिस एक वीड है, और मतलब साधारण भाषा में अगर इंडियन लैंग्वेज में बात करें, कॉमन लैंग्वेज में हम, तो ये धतूरा जो होता है, ठीक है, जिसको आंकड़ा भी कहा जाता है, या आंक का पेड़ भी कहा जाता है कॉमन भाषा में। ये यहां पे क्या पूछा गया, ये एक वीड है, हम सभी को पता है वीड है, हम उगाते नहीं, खुद ही उग जाती है। ये वीड जो है बहुत ज्यादा अबंडेंट फील्ड, यानी कि बंजर जमीन में क्यों उगती है ज्यादा, ठीक है। इसके आपको दो रीजन बताने थे। देखो, दो रीजन ये हैं,
कि सबसे पहले बात तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट रहता है, मतलब इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, बिना पानी के भी ऐसा कुछ मैकेनिज्म है इसमें कि बिना पानी के भी अच्छे से ग्रो कर लेता है, पहला रीजन ये था। दूसरा सॉल्ट रेजिस्टेंट भी होता है ये, मतलब इसको ज्यादा सॉल्ट और मिनरल्स इनकी आवश्यकता नहीं है, कम आवश्यकता है मतलब, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इन एडवर्स कंडीशन में भी ये ग्रो कर पाता है और ये ग्रो कर पाता है एबंडेंट फील्ड में, इसीलिए इसको एक तरीके से सिंबल माना जाता है, मतलब अगर ये कहीं ग्रो कर रहा है किसी फील्ड में तो मतलब ये उस चीज का सूचक है कि ये जो जमीन है अब बंजर हो चुकी है, ये जमीन अब ज्यादा ओवर कल्टीवेशन हो गया इसमें, तो ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये 5 क्वेश्चन बताए 1-1 मार्क्स से। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का था, मतलब 5 मार्क्स हो गया। यहाँ पे सेक्शन बी में टोटल हम 7 क्वेश्चन देखेंगे, 7, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 14 नंबर का ये पूरा सेक्शन था आपका, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस था, कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं था। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया था? मॉसेस एंड फ्रॉग बोथ नीड वाटर एज अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मॉसेस क्या होते हैं? मॉसेस एल्गी, मॉसेस फर्न्स वगैरह ये सब, ठीक है, मतलब एक तरीके से ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं है। दूसरा फ्रॉग, बोथ नीड वाटर एज अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम चाहिए वाटर का, ठीक है, मतलब वाटर के थ्रू ही ये फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। वेयर डज सिनगैमी अकर, सिनगैमी कहां पे हुआ ये आपसे पूछा गया। हाउ इट इज Enjoyed in both these organisms, ये दो इन organisms में किस तरीके से हो पाता है, एक तरीके से पूछा गया है कि इन ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से सही तरीके से सिनगैमी हो पाता है। सबसे पहले सिनगैमी होता क्या है? सिनगैमी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है, या सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिंपल सी बात है, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है उसके फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के वजह से जो डिप्लॉयड जायगोट बनता है उस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है, इसको आप फर्टिलाइजेशन में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इनमें कैसे होता है, तो ये क्योंकि वाटर एज अ मीडियम यूज करते हैं, तो वाटर एज अ मीडियम अगर ये यूज करते हैं तो सिनगैमी कहां पे हो रहा है? वाटर में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम इनको आती है? देखो इसमें फायदा ये है कि मतलब इनको जो है एक तरीके से फीमेल के अंदर, मतलब फायदा तो क्या है एक तरीके से ये है कि चूंकि वाटर में ये प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पर्म या ओवा जो है, जो भी गैमेट है, वो रिलीज करना पड़ता है इन ऑर्गेनिजम्स को। दूसरी बात, चांसेस जो है किसी प्रिडेटर के इनके ऑफस्प्रिंग को खा जाने के या डिस्ट्रॉय करने के चांसेस ज्यादा है। तीसरी बात, जो मेल और फीमेल है उनके उनमें उनके बीच में बहुत अच्छी मतलब सिंक्रोनी होनी चाहिए कि किस टाइम पे स्पर्म रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे ओवर रिलीज हो तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि स्पर्म रिलीज हो गया और बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही समय पे रिलीज हुए, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म और ओवा बाहर मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो समझ पाए होंगे आप कि इस प्रोसेस के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे आप कह रहे हैं, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से हो पाता है। अगर आपने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है तो आपको यहां पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी का एक और पार्ट, इसमें इंटरनल चॉइस दिया गया है। इंटरनल चॉइस क्या था? राइट द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग एनिमल्स एज ओविपोरस और विविपोरस, ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, मतलब क्या बेसिस है ओविपोरस और विविपोरस एनिमल को कैटेगराइज करने का। मतलब एक तरीके से पूछा जाए कि ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं, विविपोरस एनिमल क्या होते हैं। देखो सीधी सी बात है, ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं अपने अंदर ही, मतलब अगर जो जायगोट का डेवलपमेंट है ना वो फीमेल की बॉडी में हो रहा है अगर, तो वो ओविपेरस है, ठीक है, भले वो अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर निकाल रही हूं, ठीक है, मतलब सॉरी, जो जायगोट का जो डेवलपमेंट है अगर फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा है, मतलब या एग के फॉर्म में बाहर निकाल रही है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग वो बाहर निकाल रही है अगर फीमेल, तो वो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ओविपोरस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। विविपोरस क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स जो फीमेल अपने अंदर ही ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर लेती हैं और वो डायरेक्ट बर्थ देती हैं, अंडे नहीं देती हैं, वो कहलाती हैं विविपोरस, ठीक है, क्लियर है बात। ओविपोरस का एग्जाम्पल हो सकता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और विविपोरस का एग्जाम्पल हो सकता है मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। तो ये अगर आपने एक एग्जाम्पल लिखा और इसको ऐसा एक्सप्लेन किया तो आपको इस पे 2 नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। देखो सीबीएसई जो है याद रखना, मतलब बहुत ज्यादा ना जैसे एक्यूरेट आपने लिखा है ना, अगर बहुत ज्यादा इसमें जैसे सीधी सी बात आपने ये लिख दी है, ओविपोरस विविपोरस को डिफ्रेंशिएट कर दिया है अच्छे से, और एक एक एग्जाम्पल अगर दोनों का लिख दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, पूरी जो है पूरी मतलब एक तरीके से पूरी कथा लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम देखेंगे
वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो इसके दो पार्ट थे। यू आर गिवन कैस्टर एंड बीन सीड्स, विच वन ऑफ द टू वुड यू सेलेक्ट टू ऑब्जर्व द एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म को सेलेक्ट करना है आपको, आपको कैस्टर और बीन सीड दिया गया है, तो किसको आप चूज करेंगे ताकि आप एंडोस्पर्म को जो है ऑब्जर्व कर पाए। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट जस्टिफाई। देखो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है ना, वही आगे डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो का, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद होता है। ये कैसे होता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, तो इसमें मैं पहले बी पार्ट का आपको आंसर बताता हूं। देखिए क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है ना वो डिवाइड करता है, ठीक है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो डिवाइड करता है और एक तरीके से ट्राइप्लॉयड बनाता है, ट्राइप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। अब ये ट्राइप्लॉयड एंडोस्पर्म जो टिश्यू रहता है इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड करते हैं और इसके अंदर जो फूड रिजर्व्स भर जाते हैं, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड किया ये टर्शियरी एंडोस्पर्म में, और एक तरीके से जो टर्शियरी एंडोस्पर्म है उसके अंदर टिश्यू, वो जो टिश्यू रहता है पूरा जो पार्ट रहता है टर्शियरी एंडोस्पर्म का, उसके अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल भर जाते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर टर्शियरी एंडोस्पर्म प्लस फूड रिजर्व मटेरियल जो है ये हेल्प करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट में, ठीक है, क्लियर ही बात। ये पूरी कहानी आपको यहां पे अगर आपने लिखी है तो आपको नंबर यहां पे मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है पूरा, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें वो आगे भी परसिस्ट कर जाता है और परसिस्ट करने के बाद आगे सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें एंडोस्पर्म कब दिखेगा, जब एंडोस्पर्म रह गया है तब। अगर वो पूरा कंज्यूम हो गया तो हमें दिखेगा क्या, तो यहां पे कैस्टर और बीन में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, कैस्टर में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर था यहां पे कैस्टर, ठीक है। अगर आपने कैस्टर लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरा का पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी में से है, ठीक है, क्लियर ही बात। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंप्राइजेस ऑफ 546 न्यूक्लियोटाइड, एक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें 546 न्यूक्लियोटाइड है, ये आपको गिवन है। हाउ मेनी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट, कितने साइटोसिन मॉलिक्यूल होंगे इस सेगमेंट ऑफ डीएनए में, अगर इफ द नंबर ऑफ एडिनिन न्यूक्लियोटाइड इज 96, अगर एडिनिन न्यूक्लियोटाइड का नंबर 96 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या है, 546 न्यूक्लियोटाइड गिवन है और हमें ये गिवन है कि एडिनिन मॉलिक्यूल जो है उनका नंबर 96 है, तो हमें बताना है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। सिंपल सी बात है, एक बार मैं इसको बताता हूं आपको, चार ग्राफ रूल लगेगा यहां पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे। देखो दोस्तों एक रूल है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, मैं बताता हूं आपको, जिसे हम कहते हैं चार ग्राफ रूल। ये चार ग्राफ रूल क्या कहता है, ये चार ग्राफ रूल कहता है कि जो प्यूरीन होता है ना, प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है, इनका रेशियो कैसे रहता है। देखो प्यूरीन सबसे पहले होता क्या है, एडिनिन और ग्विनिन प्यूरीन होता है, ठीक है, और पैरामिडीन क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन पैरामिडीन होता है, ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अब ये चार ग्राफ रूल क्या कहता है कि एडिनिन जो है ना, एडिनिन, ठीक है, एडिनिन और थायमिन का जो रेशियो है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, चार ग्राफ रूल, कि जो एडिनिन है उसका रेशो या उसका परसेंटेज या उसका नंबर इक्वल रहता है थायमिन के, और ग्वानिन का जो परसेंटेज या नंबर है वो इक्वल रहता है साइटोसिन के, ये रूल कहता है, ठीक है, क्लियर ही बात। ये समझ पाए आप, मतलब थायमिन का जो रूल, थायमिन का जो परसेंटेज या नंबर है जो भी, वो इक्वल रहेगा हमेशा एडिनिन के, और एडिनिन का थायमिन के, और ग्वानिन का जो नंबर है वो इक्वल रहेगा या परसेंटेज इक्वल रहेगा साइटोसिन के या ग्वानिन के। तो आपको परसेंट दिया हो, नंबर दिया हो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे क्या दिया है कि टोटल जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, टोटल न्यूक्लियोटाइड अपन को दिए हुए 546, ठीक है, क्लियर ही बात। अब आपको दिया हुआ है एडिनिन न्यूक्लियोटाइड का नंबर, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड का नंबर अपन को कितना दिया हुआ है, 96, एडिनिन का नंबर दिया हुआ है 96। पूछा अपन से क्या गया है, पूछा अपन से क्या है साइटोसिन, ये अपन से पूछा है, ठीक है। अगर ये 96 है तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है, 96 ये भी 96 होगा, ठीक है। 96 कितना होता है, 6 6 12, ठीक है, 6 6 हो गया ये 12 और एक ऊपर 9 9 18 19, 192, ठीक है,
ये देखो मैं सिंपल बिल्कुल करके बताता हूँ, 6 6 12, 9 9 18 19, 192 हो गया ये। 192 मतलब 192 इसका नंबर है, तो टोटल कितना है 546। 546 में से 192 निकालो तो इन दोनों का, ग्वानिन और साइटोसिन का टोटल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 14 में से 9 गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 14, 4 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, यही होगा ना टोटल। ये एक हासिल किया गया तो 3, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 1 3, 354। 354 क्या है दोस्तों, 354 इन दोनों का सम है, मतलब इन दोनों का अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 354 आएगा। 354 को अगर मैं आधा कर लूँ तो इनका नंबर पता पड़ जाएगा मुझे, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 1 5 7 14, 147, तो 177 जो है साइटोसिन का नंबर है साहब, 177 ये है और 177 ही ये है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे अपना है 177, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये था कि साइटोसिन जो है उसका न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, हाउ मेनी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट, तो आंसर है 177। जिन्होंने 177 आंसर निकाला है, इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उनको पूरे में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैरिड आउट, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अच्छी है, मान लो एक प्लांट है जो फल खूब सारे देता है और एक प्लांट है जो ड्रॉट कंडीशन में, मतलब रेगिस्तान वाले या कम पानी वाली जगह पे भी रह पाता है, तो हम क्यों ना दोनों को मिला दें। दोनों को मिला दोगे तो ऐसा प्लांट बनेगा जो कम पानी में भी रह पा रहा है और खूब सारे फल भी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उनको मैच किया जाता है, उनको मिलाया जाता है और उनसे हाइब्रिड बनता है। कैसे मिलाया जाता है, एक प्लांट से या एक ऑर्गेनिज्म से हमने एक सेल लिया, उसका सेल वॉल हटा दिया, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म लिया, प्रोटोप्लाज्म जो कि मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है वो, और दूसरे प्लांट में भी यही किया कि सेल वॉल हटा दिया और प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड, दोनों प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर दिया गया और एक नया सेल बना लिया गया, एक नया सोमा क्लोन बना लिया गया, और आगे इसी से सोमेटिक हाइब्रिड बना, मतलब, और सोमेटिक हाइब्रिड इससे जो बना, जो ऑर्गेनिज्म बना उसको सोमेटिक हाइब्रिड बोला गया, जो पूरा प्रोसीजर है ये उसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। तो ये होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको आपने अपनी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन किया तो आपको नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। मेंशन वन एग्जांपल ऑफ अ सोमेटिक हैबिट। सोमेटिक हैबिट का एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये है कि टोमेटो प्लांट जिसमें कुछ वैरायटी थी, कुछ खासियत थी, और पोटैटो प्लांट जिसमें कुछ खासियत थी, दोनों को मिला के एक हाइब्रिड बनाया गया ताकि टोमेटो और पोटैटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आए, लेकिन हुआ ये कि उससे उसमें टोमेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा रही, तो ये ऑपरेशन जो है इनका फेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो हमने डिजीज रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पड़े थे, ठीक है, पूसा कोमल, या फिर इसके अलावा आपने हिमगिरी वगैरह, ये सब भी सोमेटिक हाइब्रिड ही हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो वो भी आपने लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया आपसे, व्हाट आर डीएनए फ्रेगमेंट, सॉरी हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट विजुअलाइज ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे विजुअलाइज किया जाता है, नेक्ड ऐसे डीएनए नहीं दिखते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड एक कंपाउंड है उसका यूज किया जाता है, उस डाई का यूज किया जाता है इसको स्टेन करने के लिए, और इथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन करने के बाद उसको जब आप यूवी लाइट में देखेंगे, यूवी लाइट में जब उसको विजुलाइज किया जाएगा तो ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर था इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड लिख दिया तो आधा नंबर आपको मिल गया। व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, जो बैंड्स आए हैं जेल पे, ठीक है, उस बैंड को कट करना और उसको सेपरेट करना, मतलब जेल से हटाना उसको, मतलब जेल से उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको इल्यूजन कहा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो बैंड्स आए हैं जेल पे डीएनए के, उस डीएनए को कट करना छोटे पीसेस में और उस डीएनए को उस जेल के जो जेल है पूरा, जेल का जो पार्ट है, उस जेल के पार्ट से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको इल्यूजन कहा जाता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, अ कॉर्न फार्मर हैज पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ कॉर्न बोरर इन्फेस्टेशन इन हिज क्रॉप। देखो एक कॉर्न फार्मर है और उसमें कॉर्न इन्फेस्टिकेशन, मतलब कॉर्न जो है खराब हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम वो फेस करता है वो फार्मर, ठीक है। बीन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस ही डज नॉट वॉन्ट टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड। वो प्रकृति प्रिय इंसान है, मतलब वो प्रकृति को हार्म नहीं करना चाहता, वो हार्म नहीं करना चाहता, इंसेक्ट को मारना नहीं चाहता, ठीक है, तो वो ऐसा वो इंसेक्ट को मारना नहीं चाहता। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है,
ही डज नॉट वॉन्ट टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड, इसलिए वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहता क्योंकि उसे इंसेक्ट मर जाएंगे, ठीक है। एथिकल या सोशली उसे इस तरीके से, मतलब उसे इमोशनली अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करना चाहता, इंसेक्ट भी एनवायरमेंट में ही है तो वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करना चाहता, तो इसलिए उसने इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है वो क्या कर रहा है, कॉर्न बोरर इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सजेस्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप कुछ सजेशन बताइए कि वो क्या करे, बायोटेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसके आधार पे राइट द स्टेप्स टू बी कैरिड आउट टू अचीव इट, ठीक है, क्या स्टेप्स कैरिड आउट होंगे इसको अचीव करने में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 से लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उससे ही लिया गया है, और मैंने कहा था क्राय वाला जो पार्ट है, क्राय प्रोटीन वाला जो पार्ट है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस का जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पे क्या है, एक बैसिलस थ्रोजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया है और ये बैसिलस थ्रोजेनेसिस के कुछ स्पीशीज जो है वो टॉक्सिक प्रोटीन बनाती हैं जिसमें क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब ये कुछ स्पीशीज जो टॉक्सिक प्रोटीन बनाती हैं जो कि टॉक्सिक होता है उसमें जो क्रिस्टल होता है वो उस बैक्टीरिया को तो हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर इंसेक्ट उसे खा जाए, किसी भी तरीके से इंसेक्ट के बॉडी में चल जाए तो वो जो क्रिस्टल होता है उस टॉक्सिक प्रोटीन का वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो एक तरीके से वो क्रिस्टल टूट जाता है क्योंकि एल्कलाइन पीएच होता है इंसेक्ट के गट में, ठीक है, तो वो उसको एक तरीके से डाइजेस्ट कर देता है उस क्रिस्टल को, और वो जो टॉक्सिक पार्ट रहता है प्रोटीन का वो बाहर आ जाता है और वो सेल के लाइसिस कर देता है, सेल में एक तरीके से उसके जो दीवारें हैं गट की उसमें पोर्स बना देता है और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्राय प्रोटीन जो है डेथ कर देता है इंसेक्ट की। अब इस क्राय प्रोटीन का यूज कैसे किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि ऐसे प्लांट बनाए, हाइब्रिड ऐसे प्लांट बनाए गए जिसके अंदर क्रायजीन डाल दिया गया, ठीक है। अब क्रायजीन भी अलग अलग टाइप के थे तो क्रायजीन डाल दिया गया, कुछ क्रायजीन इंसेक्ट को रेजिस्ट करते हैं, कुछ कोई अलग फसल को शुगर केन को, कुछ अलग जो भी फसल है उनको करते हैं, कुछ जो है कॉटन को करते हैं, कुछ क्रायजीन रेजिस्ट करते हैं कॉटन के जो इंसेक्ट होते हैं उसे, और कुछ रेजिस्ट करते हैं कॉर्न के, ठीक है। तो कॉर्न को रेजिस्ट करने वाला जो प्रोटीन रहता है, जो क्रायजीन रहता है, क्राय आई ए बी जीन है एनसीईआरटी में जो लास्ट जीन लिखा हुआ उस पेज पे वही है, क्राय आई ए बी जीन जो होता है वो कॉर्न बेरर इंसेक्ट को मार देगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, कॉटन कॉर्न का एक प्लांट है, इसमें ये हाइब्रिड प्लांट है, मतलब इसके अंदर क्राय आई ए बी जीन डाला गया था जब ये बनाया था, इसको हाइब्रिड बनाया था तभी, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, अब इसके अंदर वो क्षमता है कि अगर इसको किसी प्लांट ने खाया, किसी इंसेक्ट ने, कॉर्न, ये कॉर्न ने खाया, अगर किसी को कॉर्न बेरर जो होता है मतलब जो इंसेक्ट है उसने अगर इसको खाया तो इसमें से जो क्राय आईएबी जीन है वो उसके अंदर चल जाएगा इंसेक्ट के अंदर और वो मर जाएगा। तो इसमें हमें फार्मर को इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये प्लांट ही अपने आप में रेजिस्टेंट है इंसेक्ट के प्रति, ठीक है, क्लियर ही बात। अगर ये कंसेप्ट आपने लिखा है तो आपको 2 में से 2 नंबर इसमें पक्का मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे इंटरनल चॉइस दी गई है आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन साउथ अमेरिकन जंगल। देखो ये क्वेश्चन है आपका इकोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से, जो आपका 15 नंबर चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, और इसमें यह बताया गया कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अमेरिकन जंगल, साउथ अमेरिकन जंगल को घूमे, वो एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, अगर एनसीईआरटी किसी बच्चे ने पढ़ी होगी तो पक्का से वो जवाब दे पाया होगा, ठीक है। यहां पे उन्होंने 2 चीजें ऑब्जर्व की थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एक अगर एरिया छोटा है, ठीक है, तो स्पीशीज की जो रिचनेस है ना, मतलब बहुत टाइप के स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज्यादा पाई गई, ठीक है। तो यहां पे जो ग्राफ बना वो हाइपरबोला ग्राफ बना, ठीक है, क्लियर है बात, ग्राफ भी दिया हुआ है उस पेज पे। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि अगर एरिया ज्यादा है, मतलब छोटे एरिया में तो ठीक है स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, लेकिन अगर एरिया बड़ा है तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा नहीं पाई गई, स्पीशीज रिचनेस स्टीपेंड वे में एक जेड लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हाइपरबोला ग्राफ बनेगा पहली कंडीशन में, और बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है वो बनेगा किसमें, सेकेंड चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की वो, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं,
पहली चीज इन्होंने ऑब्जर्व की कि एक पर्टिकुलर अगर छोटा एरिया है तो उसमें स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि अगर एरिया बड़ा है तो स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ती है, कॉन्स्टेंट सी रहती है और वहां पर जो ग्राफ है स्टीपेंड यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर ये आपने लिख दिया है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में जैसे भी, तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग लग जरूर रहा है देखने में, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने पढ़ा है तो बड़े आराम से आप इसका जवाब दे पाएंगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या है ये। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, द बर्थ रेट इज रिप्रेजेंटेड एज बी, द डेथ रेट एज डी, द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड टी विल बी डी एन बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन। ठीक है, ये इक्वेशन एनसीईआरटी में दी हुई है एज इट इज ग्राफ के साथ ही वहां पे। The equation given above can also be represented as, इसी equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn by dt equal to r into n, ठीक है, where r की value क्या है यहाँ पे b minus d, मतलब b minus d को हमने r मान लिया तो r रख दिया यहाँ पे, सेम ही चीज लिखी है और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अब चालू होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, what does r represent, r represent क्या करता है दोस्तों, तो r represent करता है intrinsic rate of natural increase। अगर आपने इतनी सी लाइन लिख दी है कि r represent intrinsic rate of natural increase, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे भी है क्वेश्चन, राइट एनी वन सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग आर फॉर एनी पॉपुलेशन, मतलब ये भी पूछा गया है कि हम आर जो है वो क्यों कैलकुलेट करें किसी पॉपुलेशन के लिए। किसी पॉपुलेशन के लिए आर इसलिए कैलकुलेट करा जाना जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उसमें बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर का क्या रोल रहा वो आर से ही हमें पता पड़ेगा। मतलब आर की वैल्यू से हमें यह पता पड़ता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ में इंट्रिंसिक अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो है उनका क्या रोल रहा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आर की वैल्यू से हमें यह पता पड़ता है, आर क्या होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो आर से स्मॉल आर से हमें यह पता पड़ता है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसमें बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, तो ये सेक्शन बी हमने यहां पे देखा, अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं।